गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम इंजीनियरिंग सिस्मोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। हमने अर्थक्वेक क्या होता है, इसके क्या कॉजेज होते हैं, इसके बारे में पढ़ा। और अर्थक्वेक सिस्मिक वेव्स के फॉर्म में रिलीज़ होता है, ये भी हमने पढ़ा था। तो आइए हम इसमें आगे, आज हम सिस्मिक वेव्स, सिस्मोग्राफ एंड सिस्मोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे जो अर्थ का इनर कोर है उसमें किसी भी सोर्स से जब कोई वहाँ पे डिस्टरबेंसेस क्रिएट होते हैं अर्थ के इनर कोर में, तब उस किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जब कोई एनर्जी रिलीज़ होती है और वो एनर्जी ट्रेवल करती है वेव्स की फॉर्म में, तो वह है जब वेव्स होती हैं वह सिस्मिक वेव्स कहलाती हैं। दैट मीन्स सिस्मिक वेव्स आर द वेव्स ऑफ एनर्जी कॉज्ड बाय सडन ब्रेकिंग ऑफ रॉक और एनी डिस्टर्बेंसेज विद इन द अर्थ फॉर एन एक्सप्लोजन, एंड दीज आर द एनर्जी दैट ट्रेवल थ्रू द अर्थ। तो अब जो वेव्स होती हैं ये एनर्जी सोर्स हैं, ट्रेवलिंग मीडियम है एनर्जी का सरफेस के लिए। अब कई तरीके की सिस्मिक वेव्स हो सकती हैं। मेनली ब्रॉडली हम सिस्मिक वेव्स को दो फॉर्म में पढ़ते हैं, पहला हमारा बॉडी वेव्स एंड दूसरी हमारी सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स जो होती हैं वह ट्रैवल करती हैं अर्थ की इनर लेयर से, जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ की ये जो लेयर है इससे, इनर लेयर से ट्रैवल करती हैं। और बॉडी वेव्स भी फर्दर दो तरीके की होती हैं, पी वेव्स प्राइमरी वेव्स एंड एस वेव्स सेकेंडरी वेव्स। तो बॉडी वेव्स किस इनर लेयर से ट्रैवल करती हैं, वहीं दूसरी जो वेव्स हैं वो हैं सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स जो सरफेस है उसके थ्रू ट्रैवल करती हैं, क्रस्ट पे ट्रैवल करती हैं, जैसे कि प्लैनेट रिपल्स ऑन द वाटर होती हैं, लहरें बनती हैं पानी पे, इस तरीके से सरफेस पे ट्रैवल करती हैं। तो अर्थक्वेक जो हैं वो दोनों ही वेव्स के वेव्स बनती हैं। अर्थक्वेक का जब आने होता है सिस्मिक एनर्जी जो अर्थक्वेक की है वो इन दोनों वेव्स के थ्रू ट्रैवल करती है। तो सबसे पहले बॉडी वेव्स में प्राइमरी वेव्स, नाम से भी समझ में आ रहा है ये प्राइमरी वेव है, ये फर्स्ट वेव है जो फास्टेस्ट वेव बोल सकते हैं, जो सिस्मिक एनर्जी को लेके और ट्रेवल करती है और हमारे अर्थ सरफेस तक पहुंचने की सबसे पहले हिट करती है अर्थ सरफेस को। और ये सॉलिड और फ्लूइड या लिक्विड लेयर दोनों में से ट्रेवल कर सकती है। ये पुश एंड पुल फॉर्म में ट्रैवल करती है, जैसे कि साउंड वेव्स होती हैं उस फॉर्म में ट्रैवल करती है। नेक्स्ट हमारी है एस वेव्स। एस वेव्स सेकेंडरी वेव्स हैं, ये प्राइमरी वेव्स के बाद में फास्टेस्ट हैं। सबसे फास्टेस्ट तो प्राइमरी वेव है, उसके बाद में सबसे ज़्यादा एस वेव्स ट्रैवल करती हैं। और ये सिर्फ सॉलिड मीडियम में से ट्रैवल कर सकती हैं, ये लिक्विड में से नहीं करती हैं। और ये एक परपेंडिकुलर फॉर्म में प्रोपगेट करती हैं, ट्रैवल करती हुई आती हैं और सरफेस पे टकराती हैं। देन नेक्स्ट है हमारी बॉडी वेव्स हो गई, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स, देन सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स जो हैं, मैंने पहले भी आपको बताया ये हमारा अर्थ क्रस्ट है, तो इस अर्थ क्रस्ट के ऊपर रिपल्स के फॉर्म में ये ट्रैवल करती हैं। और इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वह बॉडी वेव्स के कंपैरिजन में कम होती है। और ये सरफेस पे हिट भी बॉडी वेव्स के बाद में करती हैं, इसका मतलब ये बाद में पहुंचती हैं। बट दीज सरफेस वेव्स आर मेनली प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो भी हमारा डिस्ट्रक्शन या जो भी अर्थक्वेक के जो हमारा सरफेस पे अकर होता है, अर्थक्वेक होता है, उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल वेव्स कौन सी हैं, सरफेस वेव्स। इसमें ध्यान रखने की बात है कि बॉडी वेव सबसे पहले पहुंचती हैं, लेकिन वह इतना डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाती क्योंकि इनकी एनर्जी रिलीज़ होती जाती है। लेकिन जो सरफेस वेव्स हैं वो क्रस्ट में ही क्रिएट होती हैं और बाद में ट्रेवल करके पहुंचती हैं, बट डैमेज सबसे ज़्यादा सरफेस वेव्स करती हैं। मोस्ट डैमेजिंग सिस्मिक वेव्स आर सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स में भी दो वेव्स होती हैं, वन इज़ लव वेव्स एंड अनदर इज़ रेले वेव्स। जो लव वेव्स हैं ये सबसे पहले A.E.H. लव, एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, 1911 में उन्होंने इनको आइडेंटिफाई किया था। और ये सरफेस वेव्स में फास्टेस्ट वेव्स हैं।
मतलब लव वेव्स और रिले वेव्स में से सबसे पहले कौन सी पहुंचती है? लव वेव्स पहुंचती हैं और ग्राउंड में साइड टू साइड मूव करती हुई पहुंचती हैं। देन नेक्स्ट इसके बाद आती है हमारी रेले वेव्स। ये भी एक रेले लॉर्ड रेले नाम के मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता किया था सबसे पहले 1885 में, तो उनके नाम पे इनको रेले वेव्स नाम दिया गया है। और ये भी साइड टू साइड डायरेक्शंस में मूव करती हुई पहुंचती हैं और सबसे ज़्यादा जो अर्थक्वेक है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वेव्स रेले वेव्स ही होती हैं। सब लव वेव्स से भी ज़्यादा डैमेज जो वेव्स करती हैं वो रेले वेव्स करती हैं। तो ये हमारी सिस्मिक वेव्स हो गई, मेनली बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स में पी वेव्स, एस वेव्स एंड सरफेस वेव्स में रेले वेव्स एंड लव वेव्स। एंड अर्थक्वेक किसकी वजह से होता है? सरफेस वेव्स की वजह से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिस्मोग्राफ। अब जो ये अर्थक्वेक आ रहा है, सिस्मिक वेव्स आ रही हैं, इससे जो हमारे ग्राउंड पे जो एनर्जी का इफ़ेक्ट आता है उसको हम जो रिकॉर्ड करते हैं उस रिकॉर्ड को हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्योंकि जो एनर्जी का जो वेव्स जनरेट होती हैं वो अर्थक्वेक के फॉर्म में होती हैं सरफेस पे, तो उस अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को जो रिकॉर्ड करता है वह हमारा सिस्मोग्राफ होता है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, इस तरीके का एक बेस होता है जिससे ये स्प्रिंग लटकी हुई है, ये वेट पेन होता है और इसमें नीचे एक ड्रम होता है जो रोटेट करता रहता है और उस वेट के साथ एक नीचे पैन लगाया हुआ है। तो जब भी ये हॉरिजॉन्टल मोशन अर्थक्वेक को दर्शा रहा है, अर्थक्वेक होता है तो ये मूव करता है और ये पैन उस पर ड्रॉ करता जाता है। इससे हमारा एक उसका रिकॉर्ड ऑफ मोशन ऑफ अर्थक्वेक रिकॉर्ड होता जाता है। देन नेक्स्ट इज सिस्मोग्राम। सिस्मोग्राम बेसिकली क्या है? ये एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है ग्राउंड मोशन का किसी फिक्स्ड पे स्टेशन पे। हम जो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ये पेन से इस ड्रम के ऊपर हम ग्राफ पेपर लपेटते हैं और उस पे हम पेन से ही रिकॉर्ड होता जाता है, ग्राफ बनता जाता है। ये जो ग्राफ है ये सिस्मोग्राम कहलाता है और ये द एनर्जी मेजर्ड इन सिस्मोग्राम में रिजल्ट इन द अर्थक्वेक। तो इसमें जो एनर्जी हमारी सिस्मोग्राम मींस जो हमने ग्राफ रिकॉर्ड किया है उसमें हम उसकी एनर्जी इंटेंसिटी और उसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं और जिससे हमें पता लग जाता है कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या है, उसकी एनर्जी रिलीज़ का मेज़र कितना है। इस तरीके से हम सिस्मोग्राम में एक ग्राफ, ये जो सिस्मोग्राफ के थ्रू एक ग्राफ बनाया जाता है और उस ग्राफ पे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी है वह सिस्मोग्राम होता है। तो दिस इज़ अबाउट सिस्मिक वेव्स एंड देयर रिकॉर्ड। थैंक यू।